भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की पूरी उधेड़ने पर तुले हैं। इन्होंने पाकिस्तान की वह हालत कर दी है कि मदरसे का कुकुर न मदरसे का न जमात का। आलम यह है कि सेना से लेकर नेता सब अपनी नींद उड़ा चुके हैं और उन टोपियों की गिनती कर रहे हैं जो मोदी तूफान में तहमदों के साथ उड़ चुकी है। पिछले 5 साल तक मोदी ने एक भी पल पाकिस्तान को न चैन से सोने दिया और न रोने दिया। नवाज शरीफ के शुरुआती दिनों में मोदी ने जरूर पाकिस्तानी बिरयानी में कंकड़ तलाशे थे। बड़ी बात यह है कि जहां पाकिस्तानी नेता ट्विटर से लेकर टेरिस तक खड़े होकर शब्दबाण छोड़ते हैं, वहीं मोदी शांत भाव से सुनते रहते हैं। फिर अचानक ही पाकिस्तान की पूंछ मरोड़ते हैं और पाकिस्तान बिलबिलाने लगता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय ट्रेड को सस्पेंड कर दिया था। पाकिस्तान का यह एक तरफा फैसला अब उसके लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पाकिस्तानी जनता जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही है, अब भारत से जाने वाली जरूरी जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी से जूझ रही है, जिससे मरीजों में हाहाकार मच गया है। इस संकट को देखते हुए पाकिस्तान के नियोक्ता संघ ने सरकार से गुहार लगाई है कि वह भारत से हवाई अड्डों या बंदरगाहों पर पहले ही पहुंच चुके सामानों को स्थानीय बाजार तक पहुंचाने की मंजूरी दे। दरअसल पाकिस्तान में इस आशंका के चलते हड़कंप मच गया है कि जो जीवन रक्षक दवाएं कच्चे माल के रूप में या तैयार रूप में भारत से आयात की जाती है, बाजार से गायब होती जा रही है। नियोक्ता संघ यानी एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के उपाध्यक्ष जकी अहमद खान का कहना है कि नियमों में तब तक ढील दिया जाए जब तक कि आयात के लिए कुछ वैकल्पिक सोर्स की व्यवस्था ना हो जाए। गौरतलब है कि भारत द्वारा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से भारत के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया था। इस वक्त भारत से आयातित माल पाकिस्तान के विभिन्न बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर पड़ा हुआ है। सब्जी और फल जैसे कच्चा माल खराब होने के कागार पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बाजारों में सब्जियां, फल, दवाइयां और कई अन्य जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई है। जो सामान बाजार में उपलब्ध है वह बहुत महंगा हो गया है और आमजनों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कारोबार रुकने से खुदरा और तमाम थोक दुकानदारों का धंधा ठप हो गया, साथ ही ढुलाई के काम में लगे मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए ईएफपी ने सरकार से बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आ चुके माल को बाजार में पहुंचाने के लिए अनुमति की गुहार लगाई है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। पाकिस्तान की मुगल छाप सरकार जब भारत के साथ व्यापार बंद करके अपनी तशरीफ से झुंझुने बजा रही थी, तब इसने भविष्य में आने वाली मुसीबत के बारे में नहीं सोचा था। यह पिद्दी देश है जिसकी सांसे आयात पर टिकी है। वर्ष 2018 में इस मुल्क का निर्यात जहां 1,40,000 करोड़ के लगभग रहा, वहीं इसके द्वारा 4.5 लाख करोड़ से भी अधिक का आयात किया गया। शायद द्विपक्षीय व्यापार बंद करने से इसे अपने ये आंकड़े ध्यान नहीं रहे। बड़ी बात यह है कि भारत से व्यापार बंद होने से पाकिस्तान में एक हफ्ते के भीतर ही 0.5% महंगाई दर बढ़ गई, जो अब 11% से मामूली कम रह गई है। पिछले साल अगस्त में जब नया पाकिस्तान की गगनचुंबी सलवार लटकाकर इमरान सत्ता में आया था, तब पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 123 रुपए था, जो अब बढ़कर 158 रुपए हो गया है। सीएनजी का दाम 81.70 रुपए था, जो अब 123 रुपए प्रति किलो है, जबकि पेट्रोल 132.47 रुपए और डीजल 112.94 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चीनी की कीमत 65 रुपए किलो थी, जो 75 से 78 रुपए किलो हो गई है। खाद तेल की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 220 रुपए प्रति किलो हो गई है। टमाटर फिर से 150 के पार पहुंच गया है। मिर्च अभी तक 300 रुपए किलो से नीचे नहीं आ पाई है। चौंकाने वाली बात यह है कि सूती वस्त्र में भी महंगाई 15% बढ़ी है, जिससे पाकिस्तान में तहमंद भी अब पकड़ से दूर होते जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान बिलबिला रहा है। अब पाकिस्तान की सरकार फिर से भारत के साथ रिश्ते बनाने की संभावनाओं की तलाश करने लगी है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास अभी भी काम कर रहा है। भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया वहां कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए मौजूद हैं। खबर है कि पाकिस्तानी सरकार निरंतर उनके संपर्क में है और फिर से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान की सरकार अपने उन अधिकारियों के द्वारा भारत सरकार से संपर्क साधने की दिशा में काम कर रही है जिन अधिकारियों के भारत के अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे हैं। ये अधिकारी ही दोनों देशों के मामले में एक दूसरे की मदद करने के साथ पहुंच भी आसान करते हैं। बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार खत्म किया था तब दोनों देशों के इन्हीं अधिकारियों की बदौलत जरूरी सामान हवाई जहाजों और समुद्री मार्ग से पाकिस्तान को भेजने पर सहमति बनी थी जिसमें सब्जियां दवाइयां और अन्य कई वस्तुएं पाकिस्तान को निर्यात की जा रही थी। दरअसल भारत पाकिस्तान की कड़वाहटपूर्ण रिश्तों के बावजूद दोनों देशों में ऐसे कई पूर्व और वर्तमान अधिकारी हैं जो संकट के समय दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कूटनीति की भाषा में इसे बैकडोर डिप्लोमेसी बोला जाता है। इन अधिकारियों की बदौलत ही पाकिस्तान सरकार फिर से व्यापारिक रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद में जुटी हुई है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।